नमस्कार साथियों, इस समय हम पुष्पेंद्र कुमार आर्य जी से बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने ठाकुर देवकी नंदन और उसके भाई के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। उसी विषय में हम बात करना चाहेंगे, ये बताएंगे विस्तार से कि किस विषय में और 6 लोगों के खिलाफ FIR हुई थी, जिसमें ये बताएंगे क्या अपराध है, क्या है, तो इसके बारे में हम पुष्पेंद्र कुमार आर्य जी से बात करते हैं। सर आप बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरी नहीं और आपने अपने भजन समाज के लोगों की आवाज़ आप उठा रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुष्पेंद्र कुमार आर्य मथुरा से हूँ जी। 6.5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। आपको बता दूँ क्या है पूरा मामला। एक लड़की हिंदी में लड़की हरियाणा से, एक ठाकुर देव के बड़े भाई ने उस लड़की के साथ में सात आठ महीने के लिए उस लड़की के साथ में शोषण किया था जी। शोषण करने के बाद में वो लड़की कुछ एविडेंस और मुझे कुछ बाइट दे के गई थी मुझे जी। तो ये बात लोगों को पता चल जाती है कि लड़की पत्रकार के पास पहुंच गई है जी। उस बात को लेकर ये मेरे घर पे आना जाना इन लोगों का लगा रहा है। ये मुझे मानसिक प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, दबाव देते हैं, अनैतिक दबाव देते हैं मेरे ऊपर। लड़की को नहीं, मुझे आपको। अच्छा, कैसे भी करके उस लड़की को मैनेज कर लीजिए, या तो आप मान जाइए और या तो जो आपके पास जो लड़की साथ सबूत दे के गई है उनको आप डिलीट कर दीजिए। दबाव आप पर कौन देते हैं? ठाकुर देव नंदन, उसके भाई वगैरह सभी लोग, उनके गुड़ के चमचे वगैरह सभी लोग पर दबाव देते हैं कि अच्छा। हाँ, फिर वो उससे कहते हैं अगर आपने आप इस तरह से जो काम कर रहे हो, इस तरह से हमारी पूरी छवि खराब हो जाएगी, ठाकुर महाराज जी की पूरी छवि खराब हो जाएगी, छवि धूमिल हो जाएगी। महाराज जी धर्म का काम करते हैं, इस वजह से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस जो भी तुम्हारे पास एविडेंस आप उसे डिलीट कर दीजिए। मैंने उनसे ये कहा कि भाई मेरे पास में क्यों आ रही हो आप, उस लड़की के पास में जाओ, लड़की आपकी शिष्य है, आप जिस तरह से करते हो, आप धर्म की आड़ में आप गंदा काम कर रहे हो, ये गलत है, आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए आपको जी, जी। तो मैंने उनसे ये बातचीत हुई, मैंने उनको भगा दिया। फिर मेरे पास इन लोगों का आना जाना दोबारा स्टार्ट हो गया। 22 को आते हैं, 23 जनवरी को, 25 को, 26 को मेरे पास आते हैं, फिर मेरे पास 22 फरवरी को आते हैं, 23 फरवरी को आते हैं, मैंने उनको भगा दिया। फिर 24 फरवरी को भी मेरे पास में आते हैं जी। 24 फरवरी को दोपहर में आते हैं, मेरी इनसे हॉकटॉक हो जाती है। ये फिर मेरे मुझे करीब 1:15 बजे करीब जी 24 फरवरी को ये पूरी प्री प्लानिंग के साथ 7-8 लोग आते हैं जी। 7-8 लोग आते हैं जो मेरे पास में लड़की के एविडेंस और कुछ बैठ थी, ये मुझसे मांगते हैं। अब बोलते हैं अगर तू पैसों से तू मानेगा नहीं, चाले चमार अच्छा। चाले उससे मानेगा, जूतों से मानेगा तू अच्छा। तेरी औकात तेरी यही है तेरी अच्छा। तो ये मुझसे कहते हैं जो लड़की की तुझे बैठ और वो सबूत दे दी गई उनको या तो डिलीट कर या तू हमें दे जी। तो ये मुझसे हाथापाई करने लगे, मेरी पत्नी अंदर से उठ के आती है, ये क्या हो रहा है। तो आपके पास जो लड़की ने एविडेंस दिए थे, वीडियो वगैरह कुछ सबूत दिए? हाँ, लड़की ने कुछ सबूत दिए थे। ये मुझसे मारपीट करते हैं, मारपीट करने के बाद में ये लोग कहते हैं साले आप बताएंगे तो ये बलात्कार क्या कहते हैं तुझे जी। तो ये मेरी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जाति शब्दों का प्रयोग किया, साले चमार तेरी यही औकात तुझे मारेंगे जी। फिर मुझे और मेरी पत्नी को बाहर, मेरी पत्नी के बाल घसीट कर मुझे बाहर ले जाते हैं, बाहर मुझसे और मेरी पत्नी से मारपीट करते हैं जी। और जाति शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्या मैं ऐसे संतों के खिलाफ जो गलत काम करते हैं क्या मैं आवाज़ नहीं उठा सकता? हाँ, आवाज़ उठा सकते हैं, गलत काम नहीं कर सकते कि धर्म के आदमी कितना गंदा काम कर रहे हैं ये लोग। हाँ, सिर्फ और सिर्फ मैंने इसी बात को उठाने के चक्कर में इन्होंने मुझे मेरे साथ में जो भी इन्होंने किया बहुत गंदा काम किया मेरे साथ में लोगों ने मेरे साथ में। फिर मेरे साथ में 24 तारीख को मेरे साथ में जो भी घटना, फिर जाते जाते कह के सारे तू कुछ नहीं कर पाएगा हमारा, बहुत बड़ी। आपके घर में ये वारदात की थी या कहीं ले जाकर? घर में भी वारदात हुई, घर के गेट के बाहर भी वारदात हुई, जो कि पूरी घटना CCTV में पूरी घटना कैद है। तो आपने पुलिस को सूचना दी इसके बाद? सूचना दी 25 तारीख को मैं तहरीर देने गया, 26 को नहीं होती है, 27 तारीख में FIR दर्ज होती है। उसके बाद 2 तारीख को मेरे खिलाफ जो FIR साजिश के तहत ये FIR दर्ज करा देते हैं मेरे खिलाफ, जो ये ठाकुर देवकी नंदन के जो सहपाठी लोग। हाँ, ठाकुर देवकी नंदन के भाई ने और उस लड़की को मैनेज करने के बाद में मेरे खिलाफ 2 FIR दर्ज कराए, षड्यंत्र के साथ झूठी FIR और मेरे ऊपर गिरफ्तारी का पूरा दबाव बनाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। और मेरी जो FIR दर्ज हुई अभी तो उसमें कोई अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, तो उन लोग आपने जो FIR दर्ज कराई थी वो कहाँ पर कराई थी? मथुरा में, मैंने हाईवे थाने में दर्ज कराई थी। तो उस पर कोई कार्रवाई हुई? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी कोई अरेस्ट हुआ? कोई अरेस्ट नहीं हुआ। लड़की के बारे में कुछ पता चला, लड़की कहाँ पर है? लड़की के बारे में तो लड़की को इनको पता होगी लड़की कहाँ पर है। अच्छा, लड़की को कोई पता नहीं? तो लड़की की क्या सिचुएशन, लड़की क्या कह रही है? अब लड़की को उन्होंने मैनेज कर लिया। अच्छा, मैनेज कर लिया। हाँ, लड़की को। तो आपके पास जो एविडेंस है, जो आपके पास प्रूफ है, क्या आप वो सक्षम है कि जैसे कि कोर्ट में या कहीं पर भी ये ले जाया जा रहा है? बिल्कुल सक्षम है एविडेंस। तो वो लड़की तैयार है? अब ये लड़की तैयार, तो लड़की को उन्होंने मैनेज कर लिया ना। अच्छा, अब लड़की तो उनके कब्जे में पूरी तरह से लड़की जी।
तो कहने का मतलब अब आप जब सामने आए हैं तो आपकी जानो खतरा है। हाँ, मुझे ये ठाकुर डेटर मुझे कभी भी मरवा सकता है, कभी भी मेरे साथ में कुछ भी हो सकता है। अच्छा। मुझे और मेरे परिवार की जान मान की सुरक्षा की जाए। मैं प्रधानमंत्री, SSP मथुरा, DM मथुरा सभी से अपील करना चाहता हूँ कि मेरी और मेरे परिवार की जान मान की सुरक्षा की जाए, कि ये बहुत प्रभावशाली लोग हैं, मेरे साथ में कुछ भी करा सकते हैं और फिर गुरुओं से कह के मुझे कभी भी मरवा सकते हैं। तो आपने जो थाने में FIR कराई, वहाँ से उसके बाद और भी कहीं कोई एप्लीकेशन या कोई सूचना दी किसी को? हाँ, मैं कल वहाँ राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष अनुसूल जाता वहाँ गया था, तो वहाँ 3 दिन की वहाँ रिपोर्ट मांगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, 3 दिन में अभी तक इनकी गिरफ्तारी की नहीं हुई है। अच्छा, हाँ ठीक। तो चलिए, हम बात आपसे बात करके पता लगा कि भाई क्या क्या चल रहा है, लेकिन ये ऐसे लोगों के खिलाफ और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो। और देखिए, ये कितनी बड़ी विडम्बना है कि जो है ना, UP पुलिस किस तरीके से बहुत ज़्यादा बर्बरता कर रही, जो कि ऐसे लोगों को FIR होने के बावजूद भी अरेस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो और इसके बारे में आप कुछ इस चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सूझना? मैं अपने जितने भी समाज के भाई हैं, मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि इस परिस्थिति में मेरा साथ दें, क्योंकि ये सभी एकजुट होकर मुझे ये मारना चाहते हैं जी, और इनके गुर्गे, क्योंकि ये पूरी प्री प्लानिंग के साथ में ये कुछ भी करवा सकते हैं मेरे साथ। इस बीच में आपकी सपोर्ट में आपके परिवार या आपके गांव से या आपके क्षेत्र से कोई आया? हाँ, सपोर्ट में आज मैं आवाज़ उठाने जा रहा हूँ। मैंने पूरा भीड़ उठा लिया कि मैं इनको ठाकुर देवकीनंदन को जेल भिजवा के रहूँगा। देखिए, हम ये नहीं बताएंगे कि ये भाई अभी ये किस जगह पर है, लेकिन इन्होंने हमें हमारे चैनल पर इंटरव्यू दिया है और अपनी सारी घटना बताई और इनके साथ साथ क्या क्या चल रहा है। अगर कोई इंसाफ की लड़ाई लड़े तो उसको तुरंत उसके ऊपर भी FIR दर्ज करा दिया। मैं भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि ठाकुर देवकिंदर ने जो मेरे खिलाफ़ FIR की है, मैं उसे जब चोट कर रहा था तो उस वक्त उसने FIR क्यों नहीं कराई? उन्होंने एक लड़की से FIR कराई है, जब मैंने उस लड़की से छेड़खानी की तो उसने नवंबर 2019 में FIR दर्ज क्यों नहीं कराई? पूरी प्री प्लानिंग के साथ मुझे फंसाया जा रहा है। ठीक है, मतलब नाजायज तरीके से मेरी FIR 24 तारीख को, मेरी 27 तारीख दर्ज होती है, उनकी FIR 2 मार्च को उनकी दर्ज होती है। आप लगा लीजिए, पूरी प्लानिंग के साथ मुझे फंसाया जा रहा है। बिल्कुल, आपको फंसाया जा रहा है। तो आप हमेशा अपनी सुरक्षित रहें, अच्छे रहें, सहयोग से रहें, जैसे भी है। धन्यवाद। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।